बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मैंने अपने आईक्लोन का प्रोफेशनल कोर्स लोगों को दिया है, उसके बाद से मैं उनके लिए कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट लेके आता रहता हूं। तो आज फिर मैंने, ये तकरीबन है मेरे पास ऑलमोस्ट 8.28 GB का यह डाटा है। पहले जिन लोगों ने मेरे से आईक्लोन का कोर्स लिया था, उन्हें तकरीबन मैंने 30 से 35 GB का डाटा मैं उन्हें दे चुका हूँ, और अब उनकी तरफ से बस है, क्योंकि मैं तकरीबन 6 से 7 वो लिंक्स थे मैंने उन्हें प्रॉपर दिए हैं, 100% दिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो नए बंदे आ रहे हैं, ये उनके लिए अब वो जो पीछे वाले हैं वो बस करें, काफी हो गया उनके साथ। अब जो नेक्स्ट वाले हैं ये उनके लिए, तो जो मेरे नए हैं जिन्होंने अब मेरे से लिया है दूसरा आईक्लोन का कोर्स लिया, तो ये उनके लिए, तो उन्हें मैं इसका छोटा सा, जाहिर मैं हर दफा ही रिव्यू देता आ रहा हूँ, तो अभी भी मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये इसके अंदर ये 3D एनिमल्स हैं। जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि ये एनिमल्स वगैरह सारे मैं पहले भी काफी सारे मैंने दिए, तो अभी भी ये ऐसे ही है सारा कुछ। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये थ्रू उसके आते हैं 3D एक्सचेंज के, इधर 3D एक्सचेंज होगा कहीं, ये अब नए वालों के लिए है, पुराने वालों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा फोल्डर, कोई सा भी हम एक जानवर इधर से देख लेते हैं, ओपन करते हैं, ये देखिए आ गया हमारे पास। इसके बाद आप इधर आ जाएं इसकी एनिमेशन पे, तो इंपोर्ट करेंगे हम एनिमेशन, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे था हमारा फोल्डर 4 था, और इसके अंदर ये इसकी एनिमेशंस है, देखें ओपन करते हैं, तो ये सारी एनिमेशंस जो जितनी भी हैं ये पिक कर लेगा अपने अंदर। ये देखें, ये रन की थी, ये वॉक की है, ये देखें, ये सोया हुआ है इस वक्त, जस्ट ये उठ के खड़ा हो गया, ये इस तरीके के साथ ही है। इसके बाद आपने जब इसे आईक्लोन में ओपन करना है तो इसे यहां से एक्सपोर्ट कर लेना, तो ये ऑटोमेटिकली आईक्लोन के अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, दूसरा सेव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, इसे एक्सपोर्ट करने से पहले ये बात हमेशा याद रखें कि इसकी जितनी भी एनिमेशन होंगी उन एनिमेशन को आपने ये परफॉर्म एडिटर में जरूर जो है वो ऐड करना, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो ये आईक्लोन में जाके परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ से इसका सारा ये वाला जो है बॉक्स, इसे जरूर चेक रखना, अगर चेक नहीं रखेंगे तो फिर भी उस जगह पे वो चीज नहीं जाएगी। इसे यस करते हैं, ये सक्सेसफुली हो गया। इस जगह पे देखते हैं कि हमारे पास करेक्टर कस्टम में अवतार है हमारे, इधर इधर कोई बियर, ये देखें ये बियर आ गया हमारे पास। राइट क्लिक करते हैं तो इसकी परफॉर्म में ये देखें कितनी ज्यादा ये इसकी परफॉर्म है, ठीक है, ये देखें ये खा पी रहा है। जितने भी आप इसे परफॉर्म करवाएंगे ये सारे के सारे वैसे ये करता जाएगा। तो ये तरीका कार आपको समझाना था, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। बाकी भी सारे एनिमल जितने भी हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ वो परफॉर्म करेंगे, एक बता दिया, बाकी सारे भी ऐसे हैं, काफी सारे हैं। अच्छा, आगे ये नेक्स्ट है, इसे आप छोड़ दें। अब अच्छा, इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे आने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक करेक्टर ले लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कोई करेक्टर है कि नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी करेक्टर, या इसे कस्टम वाले को छोड़ें, इधर से ले लेते हैं। यहां से हम ये वाला करेक्टर है, इसे हम पिक कर लेते हैं। आपके पास कस्टम है भी है, जो भी है, सबके ऊपर ये एक जैसे काम करेगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास दाढ़ी मूछे हैं, वो अगर आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ये तो बाल है ना। अच्छा, यहाँ पे चले हम ये वाला एक लेके यहाँ इसके ऊपर ला के इसे छोड़ देते हैं, ये देखें
अगर आपको बूढ़ा आदमी बनाना चाहते हैं या ऐसा वैसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। ये मूछें हैं अलहदा से पड़ी हुई, ये बाल हैं, सारा कुछ ये अलहदा अलहदा पड़ा हुआ है। अब एक एक चीज को बताने बैठ जाओ तो काम लंबा हो जाता है। जस्ट आपको रिव्यू है आपका, वो आपको देता जा रहा हूँ कि हर फोल्डर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके काम का होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्राउड पे हम आ जाते हैं। इसके ऊपर आपने क्राउड को ऐसे ले आना अंदर। क्राउड ये आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली हमें बहुत मसला बनता है, हम कोई भी एनिमेशन फिल्म बनाते हैं उसमें हम दो या चार करेक्टर जिस वक्त ऐड करते हैं तो हमारी स्क्रीन बहुत ज्यादा वजनी हो जाती है। ये लो पोले के करेक्टर हैं, इनसे ये जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है। अगर आपका कुछ जलसा जुलूस टाइप इस टाइप की कोई चीज बना रहे हैं, कोई मतलब आप तकरीर है उसमें आप क्राउड चाहते हैं, या आप कोई एरोप्लेन के अंदर आप दिखाना चाह रहे हैं क्राउड को, या किसी भी टाइप का जिस जगह पे आपको क्राउड की जरूरत है उस जगह पे आप क्राउड को ऐसे डाल सकते हैं। ये उसकी सिंपल फाइल थी, ये उसकी एनिमेशन फाइल है। इसे ला के इसके ऊपर छोड़ देना आपने। जैसे ही आप इसे इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये देखें क्राउड आपका सारे का सारा जो है जब आप प्ले करेंगे तो एनिमेट करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि आपने जस्ट इसके पीछे क्राउड वाली वॉइस लगा देनी है तो वैसे ही लगेगा ये सारे का सारा आपका क्राउड ही है। अब आपको जलसा जलूस टाइप या कोई भी चीज ऐसी जिस जगह पे आपको क्राउड की जरूरत पड़ती है आप उस जगह पे इसे अप्लाई कर दें। ठीक हो गया, ये भी आपका रिव्यू कंप्लीट हो गया। ये फेस है, ये किसी फेस के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई नहीं इतना इशू है। उसके बाद ये हमारे दूसरे करेक्टर आ गए हैं, ये फीमेल्स करेक्टर हैं, इनमें से कोई भी करेक्टर हम देख लेते हैं। चलो ये वाले एक करेक्टर ले आते हैं इधर, ये देखें ये करेक्टर है आपकी एनिमेशन, ये बिल्कुल प्रॉपर करते हैं, इन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जैसे भी हमारे पास एनिमेशन है ये वो करेगी। चलो ये लगा देते हैं ऊपर, प्ले करते हैं देखें, बिल्कुल ये प्रॉपर सारे करेक्टर ना सिर्फ ये एनिमेशन करते हैं बल्कि ये बोलते भी हैं, सारे करेक्टर ये सारे के सारे हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक जीनी है, जीनी जिसके पास चिराग है वो अपना जीनी इधर लगा ले, वो भी काम देगा। इधर आ जाती है पूरी पूरी लोकेशंस इधर बनी हुई है आपके लिए एडवांस में। ठीक है, ये इंटीरियर में है, अंदर है। अगर आप कोई बनाना चाहते हैं ऐसी वैसी कोई एनिमेशन जो अंदर है आपके मतलब घर के अंदर वाली साइड पे है, इधर देखें हम अगर एक करेक्टर को ऐड करते हैं तो वो भी प्रॉपरली इधर हर चीज ऐड होगी। जैसा भी आप इसे यूज करना चाहते हैं आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें करेक्टर आपकी इधर आ गई है, ये देखें प्रॉपरली। ठीक है, ये आपकी हो गई। इसके बाद यूज तो आपने खुद ही करना है ना कि आपकी क्या स्किल है, आप किस तरीके के साथ कोई चीज यूज करते हैं, ये आपकी अपनी स्किल है। ठीक है, बाकी जिन जिनके पास मेरा है आइक्लोन का कोर्स है वो तो फिर जाहिर है इन चीजों को सीख गए हैं कि उन्होंने किस तरीके के साथ कौन सी चीज को यूज करना है, और जिन्होंने बस वो छोटी छोटी वीडियोस देख के अपना गुजारा चलाना है उनके लिए थोड़ा सा इस चीज में मसला बनता है। तो यहाँ पे हम कोई से भी ये अगर आप कोई हॉरर लोकेशन में जाना चाहते हैं, कोई हॉरर वीडियो बनाना चाह रहे हैं या कोई ऐसा वैसा आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसी लोकेशन जो है वो आप चूज कर सकते हैं। देखें ये आगे वो भूतिया मैंशन टाइप जगह बनी हुई है आपके पास है। ठीक है, आप इसे भी इजीली अपने वर्क में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ये सारी पड़ी हुई है डिफरेंट टाइप की है, जिधर भी आपका जो भी आपका दिल करे आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेल करेक्टर में आ जाते हैं। मेल करेक्टर में भी डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर आपके पास हैं, जो भी आप करेक्टर इधर को छोटा मोटा आप यूज करना चाहते हैं आप उसे इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चले कोई एक आध ये कोई मॉन्स्टर टाइप बना हुआ है, इसे देख लेते हैं। ये चले ये वाला, ये बूढ़ा आदमी है एक। ठीक है, ये इसके सर के ऊपर से इसका हेलमेट वगैरह ये भी उतर जाते हैं। अगर आपने उतारना हो इसे जस्ट ऐसे यूज करना हो तो ये ऐसे भी यूज हो जाएगा।
अच्छा इसके ऊपर भी कोई एनिमेशन अप्लाई करके देख लेते हैं, कोई एनिमेशन अप्लाई इसके ऊपर होती है नहीं होती है। चले ये भी आपको पता चल जाएगा, ये देखें, क्योंकि बाद में कमेंट्स में पूछा जाता है ये वो करता है, ये करता है कि नहीं करता, तो इसलिए मैं छोटा सा रिव्यू पहले ही साथ दे देता हूँ ताकि आपको ज्यादा मसला ना बने। इसी टाइप का है। उसके बाद इधर मॉन्स्टर हैं इस टाइप के पड़े हुए। आप एज अ मॉन्स्टर कोई हॉरर अपनी बना रहे हैं स्टोरी, उसके अंदर ये सारे मॉन्स्टर वगैरह आपको काम देंगे, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके के साथ। प्रॉप्स में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये हर टाइप का आपको ड्रिंक का मिलेगा, कैन मिलेगा, बोतल मिलेगी। अगर आप कोई वीडियो में इस तरीके के साथ आपका काम है तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ये वाले जो प्रॉप्स हैं दूसरे, ये आपको 3D एक्सचेंज के थ्रू लेके आने पड़ते हैं। तो यही बस इसका एक छोटा सा रिव्यू था मैंने आपको दे दिया। इतना कुछ है, ये 8.कुछ GB का ये डाटा है। पहले वालों को भी 35 30 35 GB का डाटा मैंने दिया था पहले वालों को भी, उम्मीद है वो उसे यूज कर रहे होंगे। ये अब नए के लिए है, तो ये जो है आप देख लें, ये अब नए लोगों को 8.28 GB का डाटा जो है वो अब मिलने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर